हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। आगामी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को देखते हुए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, घरों में पंखे तथा बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो इसके चार ऑप्शन है, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम या फिर समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, इसका आंसर होगा समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है? तो इतना हमें पता है कि घनत्व बढ़ने के साथ साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठोस, द्रव, गैस, पारा, इन सभी में सबसे कम घनत्व जिसका होगा उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। तो गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होगा कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। होता ऐसा क्यों है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि उसके अंदर की चीजों को ठंडा करना। तो जब दरवाजा खोल दिया जाता है तो दरवाजे के बाहर की चीजों को भी ठंडा करने लगता है, और ठंडा करने के साथ साथ जैसे वो ठंडा करता जाता है वैसे वैसे बाहर पीछे से अपने गर्म हवा निकालता जाता है। तो जब ज्यादा क्षेत्रफल की वायु को ठंडा करना पड़ेगा उसे, तो ज्यादा गर्म हवा पीछे से निकलती रहती है उसके, इसी वजह से रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो पैर की हड्डी खोखली होती है। आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो पैर में रॉड पड़ती है, रॉड उस हड्डी के बीच में डाली जाती है, हड्डी खोखली होती है, उसके बीच में रॉड डाल के उस हड्डी को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग की बीमारी का प्रतीक है? तो यकृत को प्रभावित करता है पीलिया, यकृत या लीवर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में आसानी से घुलनशील है? तो देखिए, अमोनिया, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सभी जल में आसानी से घुलनशील है, लेकिन अमोनिया इसका आंसर होगा क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन पाया जाएगा जो जल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली बना लेगा, इसीलिए यह आसानी से घुलनशील है। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये भी लीवर में ही होगा, यकृत में। अगला है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल के कारण होता है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला है, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इसमें कवक और शैवाल पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो कवक और शैवाल दोनों पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सहजीवी हैं कि परजीवी हैं, तो सहजीवी होते हैं ये, और वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन सिंकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। अगला है, वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है। आप डालडा के पैकेट पे देखिए तो हाइड्रोजन लिखा रहता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? जल को कीटाणु रहित बना देता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर यंत्र से द्रव का घनत्व नापा जाता है। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पे एथिलीन लिखा रहेगा, कहीं कहीं कार्बाइड लिखा रहेगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों के आधार पर, जैसे पेड़ काटिए तो उसमें जितने रिंग बने रहते हैं उन्हीं के आधार पर उनका उम्र का निर्धारण किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया जो है लाया जाता है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट के काटने से रोग होता है? तो डेंगू आपने सुना होगा कि मच्छर से जो है डेंगू होता है, तो ये कीट के काटने से होता है। अगला है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा ईंधन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो पता ही है, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, हीलियम नहीं है रेडियो एक्टिव तत्व। अगला है, थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर द्रव उबलने लगे।
तो अशुद्धियां रहेंगी तो देर में उबलेगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। आप याद रखने का तरीका है कि प्रकाश में प्र होता अनुप्रस्थ, ध्वनि में आधा धा होता तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकिल, दिख ही रहा है कि ये सब लोहे से रिलेटेड है, बाकी बिस्मथ जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। वॉशिंग मशीन का कार्य किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यह आधारित है। केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्रण होता है, केंद्र से अंतर की तरफ लगने वाला उपकेंद्र बल। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम सबको मालूम होगा, जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम आपने सुना होगा, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहती है, जब यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति का यही प्रथम नियम है। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन का यह साइंस का सेक्शन खत्म होता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।